सर एक किसने पीछे सिम्बा सर इधर भी देखिए सिम्बा सर सिम्बा भाई इधर भी देखिए भाई इधर 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 लुक चेंज है नया नया फिल्म कर रहे सर क्या बात है क्या बात है एक और बार फिर से बोल रहा है मैडम एक और बार साथ में देखो सिम्बा जी आपने आपका पूरा लुक चेंज कर दिया है कुछ अगर आप बता सके कोई प्रोजेक्ट के लिए क्या है जी एक्चुअली ये ऐसी था मेरे को बड़े टाइम से लंबे बालों से मॉडलिंग का छोटे करा था सिम्बा प्रतीक का बर्थडे है उसके बर्थडे के बारे में क्या अपने नागिन भी शेयर किया है एक साथ स्क्रीन शेयर किया है बॉस ने भी स्क्रीन शेयर किया था क्या कहना चाहोगे प्रतीक के बारे में जी प्रतीक के बारे में ये बोलना चाहूँगा इज लाइक वन ऑफ अ काइंड एंड उसके जैसे इंसान बहुत ही कम खुदा बनाता है एंड शेर दिल इंसान बहुत ही पैशनेट एंड जो भी है जैसे भी है आई लव हिम फ्रॉम हार्ट एंड मेरा भाई है किस तरह की मेमोरीज थी आपके नागिन के सेट पे उस सेट की मैं बात करूँ यू तेजस्वी प्रतीक पूरे बिग बॉस रियूनियन का नागिन के द ग्रेट ट्राई ऑफ बिग बॉस किस तरह की मेमोरीज थी आपकी प्रतीक के साथ जी बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज थी प्रतीक के साथ स्पेशली या तो वो मेरे रूम में होता था या तो मैं उसके रूम में होता था एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू ईट लॉट टुगेदर या तो ये भी आ जाती थी मैम हमारी कभी कभी हम फिर टीमों चेक किया करते थे एंड जो भी है मतलब आई नो हिज डीपेस्ट सीक्रेट्स ही नोज माय डीपेस्ट सीक्रेट्स दैट आई कनेक्शन वी हैव सो प्रतीक सॉरी सिम्बा जी आप सब अच्छे लगते हैं देखते हैं हर एक अपना गेम है तो आगे करण करिए जब पूरा थैंक यू बिग बॉस किधर कौन है बिग बॉस कौन पूछा बिग बॉस अरे कलर्स हमारा परिवार है ऐसा मिला है कलर्स है कलर्स अरे कलर्स है चलो बाइक कर लेते मैं क्या पूछ रहा हूँ अरे दरवाजा बंद सॉरी सॉरी गाना बजेगा कनिका जी आप बहुत हॉट लग रही हो आज क्या बात है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल नया सॉन्ग आने वाले हैं नए साल की शुरुआत होने वाली है क्या कहना चाहते हैं इस तरह से देख लो 2023 कितने सॉन्ग आए आपकी तरफ से कुछ लाइनअप है एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर कनिका बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहा हूँ मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ प्रियंका इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ प्रियंका की जोड़ी आपको कैसी लग रही है क्या बहुत कहना अच्छी हमेशा से मुझे बहुत अच्छी लगती है वो क्योंकि पहले भी ऐसे ही थे अभी बिल्कुल ऑन स्क्रीन भी वैसे ही है प्रियंका को बार बार टारगेट किया जा रहा है बिग बॉस के अंदर क्या कहना चाहूँगा कनिका जी आपका भी कई हद तक नाम आया था कि इस साल आप जाने वाले थे बिग बॉस में क्या कुछ हुआ या फिर नेक्स्ट ईयर आप प्लान कर रहे हो बिग बॉस में के घर जाने मैंने बोला था बिग बॉस ऐसा घर है जहाँ पे आप जाते भी जनता की मर्जी से हो वहाँ से आते भी जनता की मर्जी से हो तो जब पूरी जनता चाहेगी कि मैं चली जाऊँ अब्दू की एविक्शन कितने अनफॉर्चुनेट थी इस हफ्ते अब्दू इविक्ट हुए अनफॉर्चुनेट नहीं क्योंकि मुझे पता चला कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है बाहर तो
सिलेक्शन कंप्लीट है तो एंड ऑफ कोर्स कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमको ऐसे मौके पे मिल जाती है। टीना और शालीन के रिलेशन कैसा लगता है? इज इट फेक ट्रू फॉर अ गेम और व्हाट डू यू थिंक? थैंक यू सो मच। चलो हैप्पी बर्थडे। विल डू द विजुअल्स 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 वो लोग तो नहीं लगते यहाँ भी कैमरा I hope you are not angry. I am angry. I was a few of them. Okay, ma'am. आज जब प्रतीक जी का बर्थडे पूछ लिया मैम गुस्सा हो रही थी यार। What is the one thing that you really like about Pratik? मुन्नू जी आजकल जो टेलीविजन सेलेक्स है दे आर डूइंग इंडिपेंडेंट सॉन्ग आपको काफी लोग इंडिपेंडेंट सॉन्ग में देखना चाहते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू से एंड मैम क्रिसमस इज कमिंग न्यू ईयर थैंक यू मुन्नू जी मैं एनिमल हूँ मैं भी एनिमल हूँ हम दोनों एनिमल हैं पहली बात है कि भाई ये जो बंदा है प्रतीक जो बोला था दादा आप मेरे बड़े भाई हो yes. और जब बड़े भाई को बुलाया जाए छोटे भाई के लिए किधर भी जिंदगी भर गए खड़ा रहूँगा ये तो इसका जन्मदिन था लेकिन जिंदगी में कभी भी बड़े भाई को बुलाओ भाई हमेशा आऊँगा मेरी जितने औकात है आपके साथ रहे और आपके जो सवाल है उनके जवाब आप मिले सर सर राखी सावन बिग बॉस के घर है मराठी बिग बॉस में तुम्हें बताता है क्या मैं तो बहुत देर से रात घर आता हूँ 2:30 बजे भाई मेरा पेड़े का भी प्रमोशन चल रहा है और मेरी मेरी फिल्म भी आ रही है अभी लेकिन उसका नाम और उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं क्यों 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 नहीं वो आ जाइए उधर उधर एक पार्टी मनाएंगे अब द लॉन्चिंग ऑफ माय फर्स्ट फिल्म और वहाँ पार्टी करेंगे एंजॉय करेंगे फिर नाम बताएंगे लेकिन मेरे मेरी जो प्रोडक्शन हाउस है मैंने बोला था ना मैं प्रोडक्शन हाउस लाऊंगा उसका नाम मैं आज यहाँ रिवील करता हूँ दादा दादा सेंटर मेरी प्रोडक्शन हाउस का नाम है अभिजीत बिचुकले एंड सन्स ड्रीम मर्चेंट प्रोडक्शन ड्रीम मर्चेंट प्रोडक्शन और ये अभी फिल्म जारी करेंगे मराठी में और हिंदी में मेरी फिल्में आएंगी इस साल क्या बात है सर बहुत बेहतरीन निमरित कौर काफी अच्छा गेम खेल रही है आप उसके बारे में कुछ सुना है गूगल पे जो आता है ना स्क्रॉल करते हैं ना हम कितना देखा अब तक आपने क्या कुछ सुना है मुझे लगता है शायद सुंबुल करके कोई लड़की है तो वो शायद जीतेगी अब भी इलेक्शन हो गया लेकिन निमरित के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफी पार्शियल है बिग बॉस के अंदर क्या कहना चाहोगे इसको लेके वो कौन है मुझे बताओ वो एक बार बाहर गई थी वो नहीं 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 वो पहले तो अंदर थी वो अर्चना है और ये कौन है हाय कोई तो है दादा आप इतना घर को मिस कर पा रहे हो दादा हम पूछना चाहेंगे मैं पूछना चाहूँगा कि आप दीपिका पाडुकोन का ड्रेस को लेकर काफी इसका इसका भगवे कलर को लेकर सर दीपिका पाडुकोन को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है नहीं मैंने गाना देखा नहीं लेकिन म्यूजिक अच्छा लगता है मुझे
अपने विशाल शेखर है साहब के घर से आपका सलमान सर के और आपके जो संबंध को लेके बातचीत चल रही थी सब अब ठीक है किस तरह से वो संबंध के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा आई लव एंडोमोल शाइन वायाकॉम 89 कलर्स सलमान सर मैं जो हीरा था ना वो मेरे जौहरी निकले सब वायाकॉम वाले एंडोमोल वाले और उन्होंने मुझे तराश के सारी दुनिया के सामने लाया थैंक यू वेरी मच एंडोमोल वायाकॉम एंड कलर्स सलमान सर के बारे में सर सलमान सर के बारे में बहुत अब की बात है अभी बर्थडे मनाए जाए आ रही है एकदम दादा बोला एक सवाल आया था जैसे मैं सोशल एनिमल छोटे भाई का बर्थडे है और जी बोलता है जय माता दी तो बहुत सारी तरीके से इस तरह मेरा बड़ा अच्छा लगता है और बहुत प्यारा लड़का है बहुत प्यारा बहुत बड़ी बात है अभी इसकी शुरुआत है मीकाबाजी कोई मीकाबाजी कोई ऐसी बात प्रतीक की जो आपको काफी अच्छी लगती है तो देख दिल्ली से पंजाबी है और लड़का है हमारे तरफ बहुत प्यार करता है और आपका फैन प्रतीक काफी सारी बातें कर दी है पाजी ने काफी बड़ी बात है पाजी के लव सुनना क्या कहना चाहो कितनी खुशी होती पाजी के पाजी ने कितनी तारीफ की अगर आज से 5 साल पहले देखो तो मैंने शायद कभी सोचा होगा कि पाजी मेरे बर्थडे पे है और आज पाजी मेरे बर्थडे पे है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग और यहाँ पे जितने भी जो भी लोग आए आई थिंक देयर ऑल बहुत 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 दिग्गज लोग हैं बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है करोड़ों साल हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक भाई हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक भाई हैप्पी बर्थडे टू यू प्रतीक हैप्पी बर्थडे मीका जी इनका सवाल है मीका बाजी बोला भाग जाएगा मीका सर किशन मीका जी सवाल तो ले लीजिए मीका जी आप भारत छोड़ो यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं हमने सुना है आई लव राहुल एंड आई लव मोदी जी ये बहुत नाम है पाजी आप पाजी जाएंगे भारत छोड़ो यात्रा मैं भारत के साथ ही हूँ आकाशा जी प्रतीक हमें पता है आपके काफी अच्छे दोस्त थे और आज उनका बर्थडे कल था ऐसे दोस्त व्हाट वुड यू लाइक ईशान ज़ूम कर आकाशा जी काफी टाइम से आपके सॉन्ग भी आ रहे हैं कुछ कहना चाहोगे किस तरह से नए प्रोजेक्ट में नया साल भी आने वाला क्रिसमस है व्हाट्स योर प्लान फॉर क्रिसमस अभी इतना बवाल सॉन्ग आया था इसका और आज तक गानों बोल दिया नहीं आप दोनों से सुनना चाहूंगा कोई ऐसी बात प्रतीक की जो आपको काफी अच्छी लगती है आप काफी अच्छे नाम से पुकारते हैं प्रतीक को उसके पीछे क्या राज है प्रतीक के वो नाम के पीछे क्या राज है प्यार ही नहीं रहा क्या नाम चांटू चांटू सिंह विशाल आकाशा एक मिनट प्रतीक अरे साथ में
करते मैडम आपको प्लीज इधर आ जाइए, एक सवाल है वो मैम का, सब लोग आ जाइए। पहला गाना गा लेने दीजिए, आप पहला गाना गा दीजिए प्रतीक सर के लिए, कुछ भी प्यारा वाला कोई भी हो। आज मेरे किशन को बोलो ना पीछे आने। विशाल क्या कहना चाहिए प्रतीक को, इसको आपको देना चाहिए। प्रतीक का बर्थडे है, जैसे भी थे जो लोग भी थे, मैं प्रतीक कुमार जमीदार बाहर आने के बाद हमेशा विल ऑलवेज बी अ फैमिली। बिग बॉस सीजन की सीजन 15 की फैमिली होंगी और सब लोग अपने अपने तरफ पर काम कर रहे हैं। जब भी मेरे सीजन का कोई काम करता है दिल से बड़ी खुशी होती है। बॉडी की बात किया, बॉडी पर मेहनत कर रहा है, एक फिल्म है। ओ तू तो कैमरा वापस वापस देख। विशाल सर आपका बहुत बड़ा फैन तो मेहनत चालू है, जल्दी देखना फिल्म का नाम है पार्टनर, जल्दी आएगा सब लोग देखो। थैंक यू सो मच। अरे 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 चनी भाई आपके दोस्त है विशाल नहीं सर कुछ भी तो पतला हो गया भाई भाई आपके दोस्त है बिचुक ले आज मचा दो उसको। बिचुक का फोटो भी बहुत चलता है नहीं है। अरे बिचुक ले जाना का फाइट तो करो दो काटो ये देखो। अरे वन ऑन वन उधर चले जाओ बोला काटो भाई का बाइक बाकी भाव का बाइट बाकी है। सर अभी हो जाएगा सर अभी सर अभी हो जाएगा सर अभी ये सब हो जाएगा हम लोग खा लेंगे भाई भाई हम लोग खा लेंगे चलिए गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए, आप सबकी सारी खातिरदारी का हिसाब किताब मेरी बहन रखेगी। लव यू भाई लव यू गाइस प्लीज साई ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस एंड ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है एंड मैं कह सकता हूँ बहुत बहुत ही जब से मैंने इसको सेट पे देखा पहली बार मिली हूँ मैं सेट पे से, इससे पहले मजे की बात है कि मैं इसकी सिस्टर से मिल चुकी थी ऐसे ही कॉमन प्लेस पे एंड तब मैंने बोला कि आई ऑलवेज सपोर्टेड प्रतीक जब वो बिग बॉस में था। अरे क्या है ये जिस तरह की उनकी जो जर्नी रही है नागिन में एक अच्छी जर्नलिस्ट का किरदार उन्होंने निभाया था, अब काफी मिस कर रहे हैं उनको नागिन में। आप लोग कितना मिस कर रहे हो प्रतीक को सेट पे? मैं कितना मिस, मैंने तो उसे मारा फिर खुद मर गई हूँ, मैं क्या मिस करूंगी। मैं ना हम दोनों ने एक साथ प्लान की थी मार के मरेंगे, तो मैंने तो वही किया मार के मरेंगे।
क्या हम दोनों आप लोग को फिर से नागिन में देख पाएंगे इन फ्यूचर? कहीं ना कहीं तो देख पाओगे, नागिन का पता नहीं, लेकिन कहीं तो देखोगे। कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैंने इस बंदे का देखा है और इतना ऑन पॉइंट है, वो हर चीज देखता है, हर चीज़ नो दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।